सिंगरौली से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक चाचा ने अपनी ही नाबालिग भतीजी को हवस का शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने भाइयों के साथ बकरी चराने गई थी, इसी दौरान उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। सिंगरौली के गढ़वा में एक रिश्ते के चाचा ने नाबालिग भतीजी के साथ ज्यादती की। बच्ची अपने भाइयों के साथ जंगल में बकरी चरा रही थी, जब उसके भाई जंगल से घर चले गए तो उसे अकेला देखकर रिश्ते के चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित बच्ची को जब असहनीय दर्द होने लगा तब उसने अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। परिजनों ने इसकी शिकायत गढ़वा थाने में दी। इस घटना से बच्ची की हालत खराब होने के बाद उसे इलाज के लिए जिला मुख्यालय ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहाँ बच्ची का उपचार किया जा रहा है। आरोपी चाचा को गढ़वा पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला न्यायालय कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया। अपने गांव के दो बच्चों के साथ में और चाचा के साथ में बकरी चरा रही थी खेत पर, जंगल की तरफ। वहां दोपहर का समय हुआ तो दोनों लड़के जो थे गांव के खाना खाने चले गए अपने घर को। बच्ची अकेली बची, उसका चाचा जिसके भरोसे बच्ची थी, तो चाचा की जो नीयत थी वो खराब हुई बच्ची पर। बच्ची को ले जाके खेत में उसके साथ उसने गलत हरकत की। उसके बाद परिजनों को जब जानकारी संज्ञान में आई तो परिजनों ने थाने पे आके शिकायत की। तत्काल मामले को संज्ञान में लिया गया और बच्ची का मेडिकल कराया गया, जहां बच्ची को हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने इलाज के लिए रखी है और मां की रिपोर्ट पर से उस आरोपी के विरुद्ध तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया और थाना प्रभारी के द्वारा आरोपी को भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।